भारतीय सीमा पर अब चीनी सैनिकों के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। बीते कई दिनों से चल रहे इस तनाव को दूर करने के लिए समझौते का भी प्रयास किया गया। हालांकि इस बातचीत का कोई खास असर चीन पर नहीं हुआ। वहीं रविवार रात को हुई झड़प के बाद मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प में चीन को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि इस दौरान हमारे भी 20 जवान शहीद हो गए। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश अपने सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरा दिल शहीद सैनिकों के परिवार के साथ है। इस कठिन समय में देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारत के वीरों के शौर्य और साहस पर गर्व है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गलवान में सैनिकों का शहीद होना काफ़ी परेशान करने वाला और दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय साहस और वीरता दिखाई और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का बलिदान किया। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर मई की शुरुआत से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीनी सैनिकों ने भारत द्वारा तय की गई LAC को पार कर लिया था और पेंगोंग झील गलवान घाटी के पास आ गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के आर्मी अफसरों के फैसले के बाद जब चीनी सेना ने पीछे जाने से इनकार किया तो हिंसक झड़प हुई। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच सोमवार को हुई मुठभेड़ में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले 3 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।